नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर झांसी अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आए सांसद बिजभूषण ने कहा कि देश में बिजभूषण के नाम पर कोई हलचल नहीं है, 7 जुलाई को भी कुछ नहीं होने वाला है, जो आरोप लगाए वो सभी गलत है। सोमवार को शिवाजी नगर स्थित आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर चल रही पूजा अर्चना के दौरान शाम करीब 4 बजे अचानक अपने काफिले के साथ सांसद बिजभूषण सरन सिंह आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या धाम से पधारे श्री श्री 1008 वैदेही वल्लभ महाराज का आशीर्वाद दिया और पूजा अर्चना की। दिया है, समस्याएं चल रही हैं, क्या आशीर्वाद मांगा है गुरुदेव से? किसको समस्याएं चल रही है? तमाम देश में हलचल मचा हुआ है बिजभूषण सिंह जी के नाम पर। नहीं नहीं, आपका प्रश्न गलत है, कोई हलचल नहीं है जी। हमारे पुराने संबंध है वैदेही, बहुत अच्छा भगवान, और अयोध्या से हम चल करके आए हैं पीताम्बरा माता का दर्शन करना है, और किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने पर अपने संरक्षक के रूप में आप मिल गए, भाई के रूप में अर्पित दास जी मिल गए। बदायूं के बिसौली नगर से बरेली जा रही रोडवेज बस आंवला वजीरगंज रोड पर सिसोरिया गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 50 से 60 लोग सवार थे, जिनमें से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूरा मामला बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बिसौली से बरेली के लिए वजीरगंज आंवला होते हुए सवारियों से भरकर रोडवेज बस बरेली जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचे। 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। हिंदू धर्म में श्रावण महीने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा सभी दिन की जाती है, लेकिन सावन महीना आते ही शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव को खुश करने के लिए मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध दही शहद और गंगा जल से स्नान कराकर खुश करने की कोशिश करते हैं। सिवासर भक्ति के पवित्र सावन महीने की शुरुआत आज से हो गई है। इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार के साथ 2 महीने श्रावण का महीना चलेगा। आज से शिवजी की आराधना का महापर्व शुरू हो गया है। इस साल सावन 58 दिन का होगा, यानी कि शिवजी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा, और 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। वही इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ज्यादा मास रहेगा। क्योंकि उसमें घटना घटित होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो डाक कवर वाले हैं, उनको भी इस मामले में जागरूक किया जा रहा है। इसमें देखिए मलमास का भी महीना है श्रावण मास में, जो अति उत्तम माना गया है। इसी के आधार पे हमारे यहाँ 10 अगस्त से 16 अगस्त तक महाशिव पुराण का आयोजन भी किया गया है, भक्तों के द्वारा प्रभु का सुबह 4 बजे जलाभिषेक, आरती, पूजन, रुद्राभिषेक आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। आगरा नगर निगम के लिए कार्यरत कंपनी HMS के ऊपर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 6 महीने से वेतन न दिए जाने को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपर नगर आयुक्त की बैठक के दौरान कैबिन में घुस गए, हंगामा काटा। अपर नगर आयुक्त के महिलाओं के साथ नोकझोंक भी हुई है। महिलाओं का आरोप है कि HMS कंपनी ने पिछले 6 महीने से उनका वेतन नहीं दिया है। 50 से 60 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, वेतन नहीं मिला है। कई महीनों से कर्मचारी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। आगरा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, कई बार अब नगर आयुक्त को भी शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और नगर निगम का उन्होंने घेराव कर लिया। सुषमा कुमारी है और मैं वार्ड नंबर 53 HMS कंपनी से, जो नगर निगम की अध्ययन एक वो होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन, उस कंपनी में काम करती हूँ, सुपरवाइजर हूँ वार्ड नंबर 53 से। सर इन्होंने हमारे 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, और हमारा PF भी इन्होंने पूरे 8 महीने का खा लिया, और उसके जो निगम से हमारी सैलरी कटती है वो 17,000 है, और ये हमें 15,000 के हिसाब से, और हमारा PF भी नहीं दे रहा, और हमें बस 11,000 कुछ पकड़ा देते हैं।
बस्ती के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में पड़ने वाले देवपार बुजुर्ग गांव के रहने वाली दो सगी नाबालिग बहनें गांव के ही मंचरों से इस कदर दहशत में हैं कि अब अपने घर में ही कैद होकर रह गई हैं। उनको डर है कि अगर उनका पैर घर की चौखट से बाहर निकला तो उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। आलम यह है कि इन मंचरों की दहशत से इन बेटियों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। बेटियों का आरोप है कि गाँव के ही रहने वाले चार मंचरे विशाल, रवि, राजू और गब्बर इन दोनों बहनों को लगातार छेड़ रहे हैं, जिससे दोनों बहनें तंग आकर अब घर से निकलना ही छोड़ दिया है। लेकिन इन मंचरों की मनभड़ इस कदर बढ़ गई है कि एक दिन ये चारों मंचले लड़के घर में घुसकर और जबरन उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों बहादुर बेटियां उन सब से लड़ गई और किसी तरह से अपनी जान बचाई है, जिसके बाद दोनों बेटियों ने इसकी शिकायत वाल्टरगंज पुलिस से की, लेकिन वहां भी उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस ने बेदही हल्की धाराओं मुकदमा दर्ज कर काम पूरा किया, जिससे उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग को मतलब हम लोग जा रहे थे बाहर को, तो ये विशाल हैं, हम लोग को छेड़ते थे, फिर उसके बाद दूसरे दिन अपनी बहन को लेकर गए हैं, तो रवि और विशाल आए, रवि बोला कि विशाल से बात करो आप और हमें छोटी बहन को देख ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग लौट आए, फिर उसके बाद तीसरे दिन हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोग के साथ छेड़खानी करने लगे, फिर हम लोग लौट आए। आगरा के थाना ट्रांसिवनर क्षेत्र के सोफटा रोड पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक दूसरे पक्ष को सड़क पर घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बची हुई निधि शासन को वापस हो गई। सजा से पहले अफजाल ने 2.5 करोड़ के कामों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन कामों को जिला प्रशासन ने स्वीकृति नहीं मिली थी। स्वीकृति न मिलने से निधि की बची हुई धनराशि अब शासन को वापस होगी। गैंगस्टर केस में सजा के बाद अफजाल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जबकि सजा के बाद अफजाल अंसारी जेल में बंद है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी जिनको सजा हुई है, और सजा होने से पहले उन्होंने अपने कामों के बहुत सारे प्रस्ताव दिए थे, उसको लेकर क्या हुआ? देखिए, जो प्रस्ताव उनके द्वारा दिए गए थे वो स्वीकृत नहीं हुए थे सक्षम स्तर से, इसलिए हम लोगों ने इसे मार्गदर्शन लिया था भारत सरकार से, और उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे वही। गोरखपुर में सावन को देखते हुए बाजारों में गेरवे रंग के कपड़ों की जमकर बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर में सावन को देखते हुए बाजारों में गेरवे रंग के कपड़ों की जमकर बिक्री हो रही है। चारों तरफ सिर्फ आपको यही रंग देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा मार्केट में बाबा के बुलडोजर वाले टी शर्ट की सबसे ज्यादा बिक्री है। लोग बाबा के बुलडोजर वाले टी शर्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 4 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है। लोग भगवा कपड़ों को पहनकर बाबा धाम जाकर बाबा को जल चढ़ाते हैं, जो कि इस बार पूरा 58 दिन चलने वाला है। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि इस बार बाबा के बुलडोजर टी शर्ट की डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा महाकाल कुर्ता भी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उससे लोग बुलडोजर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से सावन में बाबा के बुलडोजर टी शर्ट की बिक्री बहुत ज्यादा है। ललितपुर में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मार दिया। शराब पीने को पैसे मांग रहा था, मना करने पर उसने अपने ही दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या करने की कोशिश की है, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे आनन फानन में जिला चिकित्सालय लेकर आए। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पूरी घटना सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला गोविंद नगर की बताई जा रही है। उत्तराखंड भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पर क्षत्रिय समाज पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। एएसपी ने क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का भरोसा दिया है। एटा के एसएसपी कार्यालय का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। माननीय सिंह चौहान,
मानव जी, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आए हैं छुट्टी ऑफिस के, पहले क्या है, क्या आपका प्रोटेस्ट है, क्या मांग है? मैं अखिलवादी शक्ति महासभा का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एटा से हूँ। मेरा जो उद्देश्य है, महक सिंह जो इसके अध्यक्ष है भीम आर्मी के, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, उनने समस्त क्षत्रिय समाज के ऊपर अभद्र भाषा और टिप्पणी का प्रयोग किया है, जिसके सापेक्ष में हम जो कप्तान साहब महोदय के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराना चाह रहे हैं। एटक के अलीगंज क्षेत्रीय स्थिति कुरावली अलीगंज मार्ग पर ग्राम जटौरा भान के पास दो बाइकें आमने सामने की जोरदार टक्कर की वजह से उनके परखा छिड़ गए। स्पीड तेज होने की वजह से दोनों बाइक पर सवार सभी चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची अलीगंज पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि जो दूसरा बाइक सवार था उसने जानबूझकर टक्कर मारी है। हरदोई की सुरसा पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर और अवैध असलाह भी बरामद किया है। दरअसल इस चोर के द्वारा घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी निपेंद्र कुमार ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर प्रभारी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत इसकी गिरफ्तारी की गई है। विगत दिनों सुरसा में गांव पड़ता है महकमपुर, वहां पर नरेंद्र बहादुर जी के घर पे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें उनकी तहरीर पर थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना की गई, बल्लीपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति है, घेराबंदी करके उसको आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जब भारत G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा है, ऐसे में नर्मदा जिले के एकतानगर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा संरक्षण व्यवस्था की जांच के क्रम में जिले के प्रेक मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सोमवार 3 जुलाई 2023 को एकतानगर में विभिन्न स्थानों पर एक सफल मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्वेता तिवतिया और CO के निर्देशन में ये मॉकड्रिल हुई है और इस साहसी ऑपरेशन को चेतक कमांडो ने अंजाम दिया। कोटद्वार के जिबाबाद रोड पर बडौला गली के सामने रहने वाले 37 वर्षीय महिला ने कॉकरोच मारने वाला कीटनाशक पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बीस अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सुबह कीटनाशक पदार्थ खाए हुए एक महिला को परिजन अस्पताल लेकर आए, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पौड़ी जिले के अंकिता केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई से पहले। अंकिता के मां बाप की केस के सरकारी वकील जितेंद्र रावत को ना हटाए जाने पर धामी सरकार के खिलाफ गैर राजनीतिक धरने का बिल्कुल फूंक दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रणेश गोदियाल अंकिता के गांव झोपशी कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अंकिता के मां बाप को आश्वासन दिया है कि उनकी धामी सरकार से सरकारी वकील को हटाए जाने की मांग पूरी करवाने और केस की ईमानदारी पैरवी के लिए परिजनों की सहमति से नए वकील की नियुक्ति किए जाने समेत अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो भी कोशिश होगी उन्हें वो खुद और कांग्रेस का हर एक व्यक्ति करेगा। उन्होंने अंकिता भंडारी के चाचा आशुतोष नेगी को दूरभाष पर आश्वासन दिया है कि अगर इस के लिए धामी सरकार के खिलाफ धरना भी आयोजित करना पड़े तो उससे भी वो पीछे नहीं हटेंगे। गोदाल जी, आज आप अंकिता के परिजन से मिलने के लिए आए हैं, दूसरी बार आप मिलने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य रहा? मैं दूसरी बार नहीं, आज मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले दो बार मैं उस घटना के बाद यहाँ पर आया था। उस घटना के दौरान जब ऋषिकेश में उस बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा था, मैं वहाँ भी गया, घटना स्थल पर गया, तमाम जगह हम लोग गए। देखिए, आज बड़े दुख की बात है कि ये दोनों हमारे ये भाई और ये बहन बहुत ही व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। और धर्मनगरी हरिद्वार में आज से कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है। अगले 15 जुलाई तक चलने वाली कांवड़ यात्रा का हरिद्वार जिलाधिकारी धीर सिंह गबरियाल, SSP अजय सिंह ने हरकी पैड़ी पर पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान के साथ शुभारंभ किया।
बता दें कि इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन की तैयारियां भी पुख्ता बताई जा रही है। मेले के दौरान सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय से जुड़ी तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई बैठकें पहले भी की जा चुकी हैं। सितारगंज की अग्रणी बीज कंपनी साई सीड्स और अमेरिकन कंपनी फेडरेशन लाइफ साइंसेज द्वारा सिटकुल में भव्य किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में सितारगंज और आसपास से 100 से ज्यादा प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वर्डुएशन के साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अमेरिका में कृषि की नई तकनीकों के बारे में अपना अनुभव साझा किया। गोयल ने किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खादों जैसे कि यूरिया की क्षमता को बढ़ाने की नई तकनीक एनचार्ज और न्यूट्रिस्फियर एन से किसानों का अवगत कराया, जिससे कि किसान अपने खेत में कम यूरिया डालकर भी बहुत अच्छे परिणाम ले सके। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे सितारगंज में, हमारे जो आने का प्रोग्राम था सुबह हम दिल्ली से आए थे, तो सितारगंज में आके मैंने जो देखा इधर की किसान बहुत प्रगतिशील हैं फार्मर्स, तो हम लोग जो रियली एनयूवी के ऊपर काम कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी के ऊपर जो हमारी अमेरिकन तकनीक है, जो साइंस है, उसको कैसे हम किसानों के लिए एक फायदेमंद कर सकते हैं। और पिछले 2 साल से हमारी टीम यह काम कर रही थी, मैं पहली बार यहाँ देखने आया तो बड़ा अच्छा लगा। अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जहां क्षेत्र के प्रतापपुर इलाके में दबिश देकर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और कई पेटियां उसके पास थी और लहन भी उसके पास से बरामद कर लिया गया है और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। अधिकारियों के निर्देश हैं कि अवैध मादक पदार्थों की जो भी अवैध तस्करी हो रही है या निर्माण हो रहा है, इस पर लगातार थाने, सभी थाने और चौकियां अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और इसमें कार्रवाई करें। इसी के क्रम में कल ये काशीपुर क्षेत्र में प्रतापपुर चौकी को एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। इसमें एक क्रम में इन्होंने एक टेम्पो को पकड़ा है जिसमें 10 अवैध पेटियाँ जो कि 8 PM विस्की की हैं, उत्तराखंड मार्का, और इसमें 2 अभियुक्त हैं, करण और वंशपाल, इन दोनों को मौके के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सवर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर दुल्हन उसकी मां के अजीबोगरीब हरकत के चलते दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी की शादी की रस्मों के बीच दुल्हन की मां ने शराब के नशे में डीजे पर डांस किया तो वही दुल्हन ने स्टेज पर लोगों को फ्लाइंग किस दिया, जिस वजह से दूल्हे ने शादी की रस्मों को तोड़ दिया। क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश वर्मा। अच्छा, उस दिन शादी थी आपके बेटे की, क्या हुआ था उस दिन, जो है किस वजह से ये रिश्ता टूटा? रिश्ता उसकी दादी ने बात बताई साहब, बोले ये लड़की गंदी है, इसकी माँ धंधा कराने वाली है। हमारे भतीजे ने बताई बुआ को उसकी, अपनी बोले बुआ ये लड़की सही नहीं है, और खुद कह रहे बोला उसकी दादी, बोला मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ मंदिर में, बोले किसी तरीके से घर ना बसे तो अच्छा ही है, लड़की जिंदगी तब हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने MRI मशीन की सौगात दी है। 12.56 करोड़ की लागत से लगे इस MRI मशीन में ब्रेन MRI, स्पाइन MRI, MRCP समेत अन्य तरह की जांच की जा सकती है, साथ ही नवजात शिशुओं की जांच के लिए एक वरदान साबित होगी। MRI मशीन की सौगात मिलने पर श्रीनगर गढ़वाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रहे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह को, जिनके प्रयास से ये आज MRI यहाँ पे स्थापित हुई है इस हॉस्पिटल में, और इसका लाभ केवल श्रीनगर नहीं तो अन्य जनपद भी, बगल में रुद्रप्रयाग है, चमोली है, टिहरी है, पौड़ी है, ये सब इसका लाभ लेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि जो अभी जिसका शुभारंभ हुआ मशीन का,
उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों देश भर में सभी के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड तो विकास कर ही रहे हैं, साथ उनके कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय आज देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा सूत्र बन रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में सशक्त नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून, यूसीसी के लिए बनाई गई विशेष कमेटी का निर्णय लिया, इन दिनों सभी की चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें विकास के कामों के साथ साथ उत्तराखंड को नई पहचान भी विश्व के पटल पर मिल रही है, जिसमें तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में धामी सरकार नए आयाम स्थापित कर रही है। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि चारधाम यात्रा में 2 महीने के भीतर 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आना और सुरक्षित यात्रा का संदेश देना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया पर भी सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने काशीपुर नगर निगम के सभागार में 8 नगरपालिका और काशीपुर नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्यों में आ रही दिक्कतों को जाना है। आपको बता दें कि वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगरपालिका महुआखेड़ा गंज, महुआ डाबर, जसपुर गदरपुर, बाजपुर केलाखेड़ा और काशीपुर नगर निगम समेत कुल 8 नगरपालिकाओं के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लाने को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बाधाओं की बात सामने आई, जिसका निराकरण करने को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज जो हमारे निकाय हैं उनके समीक्षा बैठक आज मैं यहाँ ले रहा हूँ और उसमें चाहे हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, चाहे साफ सफाई हो, छिड़काव की बात हो, या हमारा अन्य जिस मदों पे हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, सभी बिंदुओं पर मैं एक एक पर जितने हमारे निकाय उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि कुछ निकायों पर अच्छी इसमें प्रगति है। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली पुलिस टीम ने एसओजी सर्विलांस टीम के साथ मिलकर शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों ने 14 जून की रात को गटर से ताले काट कर सीधी गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जालौन पुलिस ने अभियुक्तों के पास से सोने चांदी के आभूषण सहित अवैध देसी तमंचे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई थानों में इन पर संगीन मुकदमे दर्ज हैं। मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट का 233वां जन्मदिवस पर्यटन विभाग ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सादगी से मनाया। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर्यटक मौजूद रहे। इस मौके पर पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य ने बताया कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने मसूरी में रहकर ही पूरे भारत का नक्शा बनाया और हिमालय की चोटियों को नापा। पर्यटन विभाग ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का सौंदर्यकरण करवाया और यहाँ पर पर्यटकों के लिए कॉटेज भी बना है, वहीं हेली सेवा भी शुरू कर दी गई है। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वे जनरल रहे हैं, 1832 में आ गए थे और 1843 में रिटायर होकर वापस इंग्लैंड चले गए थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।